Okay, this is my most prized interview. This is my most prized conversation. It is finally happening. Hindi mein bolu to finally der aaye durust aaye, and I'm so excited about this one. I wonder why. I will tell you why. Okay, so mere saath abhi mere show par, you know my show, it's channel number 935, your one stop destination jahan pe you know TV cafe se sare favorite stars they're there. We make sure ki aap unki life ke thode up close personal ja sake. So bhari demand thi. Okay, for Karan and Ankita. That too on Valentine's special. Wow. कि हमको तो love story थोड़ी detail में जानी है. Okay, so Karan They've chosen the most non-romantic person to do a Valentine's story. यही तो मुद्दा था. So he is the dabang of television. हाँ. Okay, and Ankita is a sweetheart. And there is an image. जैसे मैं अभी पहली बार मिली हूँ. Maybe after some थोड़ी conversation के बाद I'll know a little more. But हम जो media में देखते हैं और जितना भी पता चलता है उसके हिसाब से Karan is like this no nonsense. क्या चल रहा है? एक एकदम कट टू कट कट थ्रोट. सो हर कोई वाज लाइक नो वी वांट टू सी यू नो द सॉफ्टर द मश्योर द चीजी साइड. एंड वो अंकिता को देख के कैसे ब्लश लगेगा, कौन सी कॉन्वर्सेशन होगी. तो मेरा एजेंडा मैंने क्लियर कर दिया. मुझे देख के तो इनके पिंपल्स निकल आते हैं. सोचो यार, बोला आई एम सॉरी कि ब्लश मशी साइड तो नहीं पड़ गया. आई हैव ऑलवेज बीन अ फन लविंग पर्सन यार. मतलब मैंने कभी कट टू कट तो मतलब कट टू कट तो हम जिंदगी में कभी नहीं थे. हमें जो थोड़ा से फैले हुए थे. बट या आई थिंक या देयर इज अनदर साइड दैट पीपल शुड नो. यस, सो ऑन दैट नोट ऑन माय शो सुपरस्टार ऑफ टेलीविजन करण पटेल एंड अंकिता. सो गाइस दैट्स आसान. वन सेकंड कट. अरे बंद रख ना मुकेश. बट इट्स ओके, ही विल टेक 2 मिनट्स ना. शुरू है. नो ही वोंट. इट्स ओके, 2 मिनट्स. दैट्स ओके, दैट्स फाइन. सो करण एंड अंकिता भारी डिमांड है, तो मैं सवाल थोड़े चीजी चीजी टाइप के भी पूछूंगी. मेरी कोई गलती नहीं है. लोग सुनना और लोग जानना चाहते हैं. वैलेंटाइन्स डे तो बनता है यार. स्पेशल है कंप्लीटली. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि ऑब्वियसली आप दोनों टीवी में थे, एक दूसरे के बारे में जानते थे, सुना था पता था, या हैंग आउट कर रहे थे. सो आई हैड हर्ड कि करण पटेल इज वन ऑफ द 12 करण्स वी हैव इन द इंडस्ट्री. But beyond that, I knew nothing about him. Haan. Apart from the fact that Papa works with him. And I used to love his work. Okay. Papa ki wajah se I used to see TV as in YHM. Haan. And Papa ki wajah se mujhe dekhna padta tha Karan ko. And I realized ki yaar actor toh bahut acha hai. So I have very often told Papa ki ye ladka bahut acha hai. He's very good. I like his intensity. But full stop. Nothing beyond that, obviously. And I'll be the last person. We've never interacted before that. And I'll be the last person who have a crush on an actor. So when was, matlab, ye... The first कहते ना पहली बहुत चीजी बोल रही हूँ. ठीक है, please pardon me. अलग ना लोहड़ी के पे डिनर रखा था इनके टेरेस पे, इनकी बिल्डिंग के टेरेस पे. Jan 2015. हाँ. So that's the first time when मतलब I had actually seen her. हाँ. I already heard of her but never saw her. So I saw her in person. हाँ. I told Ali, I said Ali, अभिषेक की daughter she's quite pretty है, मतलब होमली है. But that's about it. क्योंकि तब हाथों में विस्की थी. इसका काउंटर मैं बताऊंगा. Yeah, quite homely, but then that's the only conversation we had about her. And I think I asked for a number from Twitter. Now I will take over. ठीक है. So my house, I'm taking care of everything. First time YHM guys have come over after a year and a half. जनरली हमारे घर की प्रथा है कि पापा या मम्मी या मैं जो भी शो करते हैं विद इन 2 months, बिकॉज माई मम इज अ ग्रेट कुक. इट्स लाइक वर्ल्ड फेमस इन बॉम्बे टाइम्स, बॉम्बे काइंड्स. तो एवरीबडी वुड कम होम फॉर अ डिनर पार्टी, बट बाय चांस समहाउ द वेट वॉज लॉन्गर फॉर अस टू मीट. आई थिंक नॉनदलेस दीज गाइज केम ओवर. आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ एवरी थिंग. सडनली आई रियलाइज दैट करण, संग्राम एंड अली आर इन अ कॉर्नर एंड लुकिंग एट मी फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ देयर आई. एंड आई फेल्ट सो sick looking at them. I went to my father and I said, कैसे लड़के हैं ये तीनों मेरे घर में आके मेरी पार्टी में हमारा खाना खा के मुझे बुरी नजरों से देख रहे हैं. बुरी. And Papa didn't know what to react. ना तुम्हारे पापा बहुत बड़े डॉक्टर हैं, तुमने नजरें भी चेक कर ली, बुरी नजरों से देख रहे हैं. बहुत बुरी थी. एक तो अंधेरे में दिखने दी थी. That's when he was saying कि अच्छी लड़की है, blah blah blah. That's what he says. और क्या था, हाँ, so Papa and I having a conversation and he got into the conversation and he asked for my number in front of my father. Wow. So that was my red flag number 2. कौन सा भागवा कर लिए थे? Red flag number 2. नंबर ही मांगा यार. But how come he never called me? He never called me. Jan, Feb, March तक तो obviously I got an official call that we are meeting. But he never called me. So that proves that she was actually waiting, expecting a call from no, me. No. But he used to follow me on Twitter.
And okay. I used to wonder, why is he following me? Because you're a dog lover. Simple as that. Nothing else more than that. So I always say, a naughty is our bridge. Yeah. Okay. He's our firstborn and he's our bridge. He's the one who's actually connected us and made us one. Like, so in all you guys met for shaadi, was it a, matlab, milaya gaya ki chalo bol rahe hain, mil lete, ya phir sach mein, matlab, nahin, wo milaya, wo full-on calling thi ki nahin? Typical wohi tha, wo, how was it? Baat hui families mein aur milne bulaya, waisa wala tha wo. Haan, ekdam proper arranged setup. 100% arranged, yeah. But we weren't forced anything upon. Yeah, we were just told ki aisa aisa hai. I've said this 100 million times and it never ceases to be surprising and shocking still. I remember dates. That's my quirk. So 2nd of March 2015, I'm sleeping in my room and my mother comes to me at 2 in the night. She wakes me up and she said, baat karni hai. Meri sitti bitti gul. Raat ki 2 baje aise what happened? She's like, तेरे लिए करण पटेल का रिश्ता आया है. नहीं, हूज करण पटेल? रात के 2 बजे हूज करण पटेल ना, लाइक बाय, कल बात करेंगे, ठीक है? सो शी सेड मिल लेना, डजंट मैटर. सो एंड आई थिंक बोथ ऑफ अस वर इन दैट पर्टिकुलर स्टेज वेयर वी वर ओपन टू गुड थिंग्स और जस्ट फेथ, यू नो. सो आई सेड ठीक है, मिलते हैं. ठीक है, सेम गोज विद हिम, ही आल्सो सेड ठीक है, मिलते हैं. सो आवर पेरेंट्स डिसाइडेड दिस प्लेस, अली प्लेड क्यूपिड ऑफ कोर्स, बिकॉज इसने अली को बोला था दैट नाइस गर्ल, अली रिमेंबर्ड दैट एंड व्हेन ही वाज रेडी टू गेट मैरिड ही टोल्ड हिज चाचू एंड अली हैड अ कन्वर्सेशन, ही सेड हां एक लड़की मेरे दिमाग में है बिकॉज ही इज लाइक्ड हर अर्लियर. सो दैट्स हाउ एवरीथिंग केम टुगेदर. And we decided on a place, a hotel, a particular time. Had not spoken to each other still. He'd never called me. बात ही नहीं हुई थी हमारी जिनसे. I was driving to the hotel in Juhu. And I get a call from an unknown number. And I pick up and he says, हाँ बाबा, I've reached. I'm like, that's phati hui awaaz Karan ki. Le. But he's calling me Baba. Okay. Maybe बोलता तो बोलती फिर red flag. Red flag. तेरे झंडे बड़े जल्दी गड़ जाते हैं. And I made him wait for half an hour. Yeah. I was supposed to be there at 12:30. I reached at 1. He was waiting. I'm used to going late and being made to wait. You're not used to waiting. You still are not. But I was at my home turf. It was unanswered, dude. I really want to know this from you, okay? You spotted her. No, I swear to God, that's what I'm saying. I don't think he did. Never. Next day onwards, it was just like, you know, when you just, okay, fine, I saw somebody, I said, yeah, dude, the girl looks decent there. And then it wasn't love at first sight. But she was there, dimaag mein reh to. Nahin, wohi to bol raha hun. ये तो अली के दिमाग में रह गया था, मेरे तो दिमाग में नहीं था. अली के दिमाग में आपके दिमाग तक कैसे पहुंचाया? जब तक अली के दिमाग में, फर्स्ट अली स्पोक टू अभय जी, अली स्पोक टू अभय जी के ऐसा ऐसा, अगर इनका रिश्ता तो आप क्या कैसा रह गया था? अभय सेड कि हां, बट करण से तो पूछो. देन अली आस्क्ड मी, हां आई सेड दैट व्हाटएवर लिटिल आई हैव सीन हर फॉर दोस 5 मिनट्स, शी सीम लाइक अ होमली गर्ल, नाइस गर्ल, मिलने में हर्ज नहीं, दैट्स ऑल आई सेड. बट तब तक मीटिंग हुआ, नो, बस जस्ट मीटिंग अप, दैट्स शट अप, शट अप. और जनरली मीटिंग, सो लेटर आई वाज टोल्ड बाय ऑल हिज कजिन्स दैट ही डिडंट नो व्हाट टू वेयर, ही इज लाइक चप्पल पहनू, जूते पहनू, कुर्ता पहनू, शर्ट पहनू, टी-शर्ट पहनू, क्या जरूर कैसे जरूर. तो यू बी एक्साइटेड, शट अप. हमको हमें तो आदत नहीं ड्रेस अप करने की, हम वही चप्पल, ये चप्पल चप्पल ब्लू जींस व्हाइट शर्ट वालों में से हैं. सो यू वर लाइक तूने आधा घंटा तब रुकवाया था ना, तो मैं उसका बदलाव ले रहा हूँ. पसंद भी आ गए, obviously पसंद तो पहले से ही था. लंच खत्म हुआ, वहाँ से सपोज गो टू शूट, सो गाड़ी में बैठ के व्हेन आई लेफ्ट टू गो टू शूट, मैंने फोन किया मेरे घर पे, आई थिंक छोटे चाचू, आई थिंक इफ शी इज ओके आई वुड वांट टू गेट मैरिड टू हर, आई मीन आई एम ओके देयर. चाचू कॉल्ड पापा, then इनकी तरफ से बात, papa called me and जुहू से निकल के I had reached Deyanagar station and papa called and said with a question mark, he said वहाँ से तो वहाँ हो गई, that's the tone. तेरा क्या है? I said हाँ ठीक है. It was just simple and we didn't give it a thought, it was a casual yes from both ends and that's what I'm saying. I don't even know how it happened, so but it just happened to work out so beautifully well that
you know that casually. कभी कभी ऐसा होता है ना जिसे मैं कम दिमाग लगा वो. Yeah. And then when you give it a lot of thought, na, then when you too much of intriguing and detailed thought, I think that it spoils the entire project at times. Okay. So these are questions, and you have to point at each other or point at your own self. Okay. For the answer, okay, who did, who's what? Okay. Who's what? Who is more likely to go skydiving? Okay. And he will not go because I will not let him. Shut up, yeah. No, he won't. तुझे लगता है तेरे पति की छतरी नहीं खुलेगी, बाकी सभी खुल जाते हैं दुनिया में. तेरे पति की छतरी. Moving on. Who is the better cuddler? Yeah, the cuddler. आदमी के पसीने ना आए ना तब तो छोड़ेगी ना. मैंने छोड़ बस हो गया अभी कहोगे कटल करके. मैं आस्क हिम, मैं पूछती हूं सर ना आ जाऊं. मैं आ जाऊं पहले. गर्मी है जो बॉम्बे है यार, तू क्या कर रही है? हां ओके. सो हु ईट्स द लाउडेस्ट? इज द लाउडेस्ट? नो, लाउडेस्ट बुलशिट. चल. हु इज द क्लीनेस्ट? क्लीनेस्ट इन व्हाट वे? इन लाइक यू नो स्पिक एंड स्पैन. ओसीडी? हां ओसीडी टाइप. ओसीडी यार. She cleans after me. She cleans up after me, but I like my things to be clean enough. And so what is the? But he tells me to clean everything. How can it be his OCD? I don't like to clean it myself, but I like places to be clean. I like places to be clean. So I'll tell you what he does. Every time he messes up the room, next morning he'll say, "Baby, room थोड़ा गंदा हो गया. कल साफ करें. करें. Who करें? You करें. Yeah, me करें. And where is he then? I'm Candy Crush, shooting, cycling. Who is the first one to say, I want to go home when the family get together or a party is happening? If it's on a weekend, if it's on my drinking days, then she. Huh. If it's on my non-drinking days, then me. Okay, sorted. Who is more forgetful? Tough. Yeah. Okay. Who is lazy? Who's the laziest? No, both of us. Hands down. Both of us. I sleep more because I love sleeping, but I'm not lazy. Yeah, okay. You are lazy. Who? You are lazy. You never take me out for coffee. You don't go for walks with me. You don't go for a drive with me. You just sit at home like a 60-year-old with your Candy Crush. He's lazy. Exactly. Hence proved. Who said I love you first? Iska answer to mujhe bhi pata hai. I don't say. Iske to tip of the tongue pe hota hai. I love you. Yeah. 3 words can get you out of this murder with the wife. Karan. who is good, like really moody? Moody? Mm. Who was grumpiest this morning? He's always grumpy. Yeah. He wakes up grumpy, he sleeps grumpy. He sleeps late. Who sings better? Mm. How did you both meet? That I know. Okay. Where was your first date like? Sun and sand. Which is the craziest activity you guys have done together? I think right now in Turkey we did that snow ATV ride. ATV in the snow, and she was riding, I was sitting behind. I was the pigeon. So I'll tell you what. So I have a Insta story on this. Yeah. So I'm making a story. We've seen those ATV scooters everywhere, and I'm like, yay, I'm gonna ride one. And in my story, saying before, pehle main chalaunga, phir tu chalegi. I said, nahi kya, I don't mind. Cut to, he's riding. Within 2 minutes, his hands were freezing. Take me back. I'm not doing this. Take me back. I said, Rohit, Anita, Ikta, I said, you all come later. I'm going to the hotel. I can't survive with my hands. I said, you come back, sit behind and put your hands in my jacket pockets. Then he survived. Then I was riding. She's riding and I was sitting behind. So yeah, seriously, बहुत सारे messages हैं because I do the radio का पहला TV show कि ये मोहब्बते on off हो रहा है. दो conversation के start में मैंने आपको बताया था for once and all if you want to say something. No, but ये मोहब्बते फिलहाल तो बंद नहीं हो रहा है. ये मोहब्बते जारी हैं. And I think तब तक भी बंद नहीं हुआ जब तक आप लोग मोहब्बतें देखते रहेंगे. So I think ये मोहब्बतें and मोहब्बतों को आप तक पहुंचाने वाला इनका शो, I think दोनों ही चलते रहने चाहिए सालों साल. 95.5 रेड एफएम बजाते रहो.